नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हिना। ग्वालियर में 8 इंच की दीवार के लिए अपनों का ही खून बहा दिया। दीवार को लेकर ताऊ और भतीजे में झगड़ा हो गया। इसके बाद भतीजे ने ताऊ पर लाठी और सरिये से हमला कर दिया। ताऊ पक्ष की तरफ से भी हमला हुआ। झगड़े में 4 लोग घायल हुए हैं, जिनको जया रोग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दीवार के काम को रुकवा दिया। साथ ही घायलों की शिकायत पर दोनों पक्षों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। इंदरगंज के सिंदे की छावनी स्थित निर्धन रगर में रहने वाले रमेश चंद बेनबाड़िया पड़ोसी में रहने वाले अमन बेनबाड़िया के रिश्ते में ताऊ लगते हैं। अमन के पिता का पहले ही स्वर्गवास हो चुका है। दोनों ही घर के बीच 8 इंच की एक दीवार खड़ी हुई है, जिसका आधा हिस्सा ताऊ रमेश चंद के घर के अंदर है और दूसरा भतीजे अमन के घर के अंदर है। शनिवार को अमन के ताऊ रमेश चंद 8 इंच की दीवार को पूरी बनवाकर बंद कर रहे थे, जिसे लेकर अमन ने विरोध किया तो ताऊ रमेश चंद, उसका बेटा अनिकेश और बहू सीमा आक्रोशित हो गए। ताऊ ने अमन को 8 इंच की दीवार पर पूरा अपना कब्जा बताया तो अमन भी बौखला गया, जिस पर दोनों में बहस होने लगी और देखते ही देखते यह बहस खूनी संघर्ष में बदल गई। दोनों ही ताऊ और भतीजे के परिवार में जमकर लाठी डंडे बरसे, जिसमें ताऊ रमेश चंद, बेटा अनिकेश, बहू सीमा के साथ साथ अमन और उसके परिवार के 2 लोग घायल हो गए हैं। जब इस घटना की जानकारी पुलिस को लगी तो वहां मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल इलाज के लिए जया रोग अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की है। घायल अनिकेत बेनवाड़िया ने बताया कि हमारे पिताजी दीवार खड़ी कर रहे थे, जिसे लेकर अमन ने विरोध किया और वह गाली गलौज करने लगा। मारपीट में हमारे पिताजी और उनकी बहू घायल हुई है। उनकी तरफ से अमन और कुछ लोग घायल हुए। हम चाहते हैं कि अमन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इंदरगंज थाना प्रभारी अनिल भदौरिया ने बताया कि एक ही परिवार में 2 पक्ष, ताऊ और भतीजे में झगड़ा हुआ है, जिसमें दोनों ही पक्षों के लोग घायल हो गए। घटना इंदरगंज थाना क्षेत्र के निर्धन नगर की है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। दोनों पक्षों पर क्रॉस FIR दर्ज की गई है। दादाजी दीवार उठवा रहे थे अपनी पक्षी, तो जमीन का जो विवाद था हमारे घर वालों से, परिवार वालों से, उनने क्या हमसे मांगने की कोशिश करी तो दादाजी ने कहा कि तुम्हारा कुछ है नहीं है तो कैसे दे, तो उनने दादाजी को जान से मारने की कोशिश करी सर। निर्धन नगर में एक परिवार है, परिवार में आपस में दीवार को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ है, जिसमें दोनों पक्षी थाने पर रिपोर्ट के लिए आए हैं। दोनों को पहले प्राथमिक चिकित्सा के लिए जयरोग हॉस्पिटल भेजा गया है और मेडिकल करवाया जा रहा है। दोनों ही पक्ष के अन्य परिजन यहाँ पर अपना प्रकरण पंजीबद्ध कराने के लिए बैठे हुए हैं, वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं।